हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि और छात्र कितने गुस्से में है। KGN प्राइवेट ITI गारखा में सैमसंग कंपनी आने वाली थी आज 5 तारीख को, जहां पे सूचना दिया गया कि ये कंपनी लेट आ रही है, मतलब कि नहीं आई। ठीक है, ये मतलब कि नहीं आई और दूसरी कंपनी आ रही है, लाला कंपनी है और सैलरी कम दे रही है। इसी के बीच छात्रों ने महा मतलब कि उपद्रव मचा दिया, ईंट से तोड़फोड़ और भी बहुत कुछ, रोड जाम देखिए। आगे लाइव आए थे, आप लोगों को दिखाए थे, तो आपको आगे देखने को मिले। रोड के बीचों बीच लगवा दिया था ताकि स्ट्रक को बीच पे लगवा दिया है छात्रों ने, ITI के छात्र ये सब है। हम का लगवाया है, सबके शीशा तोड़ देंगे, नहीं तो सीधा कर देंगे, शीशा तोड़ देंगे। अब बताइए ट्रक वाले की क्या गलती है, इसको स्टूडेंटों ने रोड पे रोक लिया है। तो भाई यूट्यूब वाले भैया जितने भी यूट्यूब पे ITI को लेकर के कैंपस की जानकारी देते हैं, उन सभी से नम्र निवेदन है कि जो भी पोस्टर है पोस्टर आप लोग पोस्ट कर दीजिए, लेकिन पोस्टर के बारे में आप जब बताते हैं वीडियो में डिटेल से बताते हैं तो थोड़ा कॉलेज में मालूम करने के बाद ही बताएं कि हाँ क्या इन्फॉर्मेशन है क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे थोड़ा डाउट पहले ही था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था। और वैसे भी छोटी छोटी कंपनी लगभग नहीं बनाते हैं पोस्टर, अब पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और कल रात से ही रुके हुए थे यहाँ पे, जा करके हमने कुछ मालूम किया तो मालूम चला। तो प्लीज़ आप लोग भी जो भी स्टूडेंट है छात्र हैं, कहीं भी कैंपस करने जा रहे हैं, बस पोस्टर के भरोसे ना जाए, वहाँ पे कुछ जांच पड़ताल कर लें या फिर कोई जो विश्वसनीय है उनसे आप लोग संपर्क कर पूछ सकते हैं या सही है गलत है इसके बारे में जानकारी क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे तोड़ फोड़ भी हुआ, कैंपस नहीं हुआ, समय लॉस पूरा क्या ही कहा जाए। कैसे देख रहे हैं कि कैसे ट्रक को रोका गया है, निकल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये कैसे, ये छात्रों का गुस्सा देखिए, रोड जाम करने के लिए। ये अपना पावर दिखाना चाह रहे हैं। जो कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस चीज़ का पूरा विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के विरुद्ध रोजगार के मांग कर लो, इस तरह रोड घेरने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे स्टूडेंटों के द्वारा। ध्यान रहे, ऐसे ही एकता की एक बार जरूरत हो गई, जब ITI की मांग जब होगी ना उसके समय, जब हम लोग का रेलवे में ITI अनिवार्य होगा, किया गया है अनिवार्य के खिलाफ, फिर एक्शन लेगा सब, ऐसे ही प्रदर्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो पिछला साल ग्रुप डी में ITI को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। और अभी आप देख सकते हैं कि हाईवे को कैसे जाम किया जा रहा है और एक ट्रक वाले को रोका गया है। अगर इतने ही विद्यार्थी इच्छुक हैं जॉब के लिए तो फिर ITI को रेलवे में अनिवार्य किया जाना चाहिए। बिहार सरकार से आप मांग कीजिए, आप बिहार सरकार को बोलिए, टैग कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो नीतीश कुमार तक पहुंचे, तेजस्वी यादव तक, डिप्टी CM तेजस्वी यादव तक पहुंचे। लगभग अनुमान तो 10 लाख ITI स्टूडेंट है बिहार में। हाँ, बेरोजगारी का ये हालम है कि अगर 10 लाख स्टूडेंट अगर विरोध कर दे कि नहीं ग्रुप डी में ITI अनिवार्य होना चाहिए और 10th लेवल के नहीं, जबकि ग्रुप डी टेक्निकल है तो उसमें ITI स्टूडेंट का होना चाहिए, फिर ऐसा क्योंकि 10th को कर दिया गया, 12th कर दिया गया, जबकि ITI किया जाना चाहिए था। देखिए, जबकि ये भीड़ मात्र भीड़ का 10% हिस्सा है, 90% हिस्सा उधर है, तोड़ फोड़ का अंदर चल रहा है, तोड़ फोड़ हो गया। अब देख सकते हैं कैमरा में, यहाँ पे प्रखंड सह अंचल कार्यालय गारखा सारण है। देख सकते हैं किस प्रकार स्टूडेंटों का हंगामा हो रहा है, ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं सैमसंग कंपनी के नहीं आने से। अरे जाइए ना, पार होगा, अरे आप लोग जाइए, कोई परेशानी नहीं है, पार होगा, आप लोग जाइए,
आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ऑटो वालों को रोका गया है, जबकि इनको बताया जा रहा है कि आप जाइए रोड पार होगा। देखिए छात्र कितने गुस्से में है। आप देख सकते हैं जनता एक और छात्र हाथ में जा रहे हैं, जरूर जाना चाहिए। देखिए अब स्टूडेंटों का कहना है तो आईटीआई का घेराव करेंगे, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। चलिए हाँ आप देख सकते हैं कैमरा में कैसे स्टाफ को बीच रोड पर रखा गया है, और साइड में आप देख सकते हैं लकड़ी का एक पेड़ है, उस पेड़ को रख दिया गया है रोड पे ताकि आवाज वन ठप रहे। ये हम अभी गारखा में हैं, अंचल कार्यालय गारखा के पास। आप देख सकते हैं कैसे रोड पे पेड़ को रख दिया गया है बीच हाईवे पे। यहाँ पे देखिए कितने ट्रकों को रोका गया है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट बहुत गुस्सा में है, यहाँ से कुछ ही मिनट में गारखा बाजार है, एक मिनट में आपको सामने दिखाई दे रहा होगा गारखा बाजार, आपको दिखा रहे हैं हम। हम लोग अभी बाजार में जा रहे हैं गारखा बाजार में, आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टूडेंट जमे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा गारखा बाजार तक स्टूडेंट भरे हुए हैं, लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट यहाँ पे पानी पी रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है। बाजार तक स्टूडेंट खड़े हुए हैं, देखिए ये गारखा चौक पे हम लोग आ गए।